अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज पे। चैप्टर नंबर 2 हम ख़त्म करने वाले हैं। इसमें से जो पहला रिव्यू एक्सरसाइज हमने लिया है ये क्लास 4 मैथमेटिक्स से लिया है। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 है, 13 इज ए खाली जगह नंबर, 13 हमारे पास कौन सा नंबर है। पहला ऑप्शन कंपोजिट नंबर, कॉमन नंबर, मल्टीपल नंबर, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो एमसीक्यूज के लिए आपको जुमले पे भी गौर करना होगा और ऑप्शन पे भी गौर करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन ये और ये हमें बिल्कुल आउट नजर आ रहे हैं। ये अगर यहाँ पे हम पुट भी कर दें तो इसकी कोई मानी नहीं निकल रही। दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, एक है कंपोजिट नंबर, दूसरा प्राइम नंबर। तो आइए हम कंपोजिट और प्राइम की तारीफ की तरफ जाते हैं, जो हम गुज़िश्ता लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। इसके लिए शर्त ये थी कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। प्राइम के लिए शर्त ये थी कि इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। तो 13 के लिए आ जाए, 13 के फैक्टर एक 1 है और एक 13 का भी फैक्टर है। तो 13 के सिर्फ 2 फैक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है प्राइम नंबर। 13 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास यहाँ पे, इफ हर जगह ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 then that number is divisible by 3। यहाँ पे हमने divisibility rule का जिक्र है। 3 का divisibility rule आपको याद है या आपको मालूम है, आप लोग ये सीख चुके हैं गुज़िश्ता लेक्चर में कि अगर एक नंबर हमें दिया गया है और उन नंबर्स का सम हम निकाल लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 27 लेते हैं तो 27 के नंबर डिजिट्स का या हिस्सों का जो सम है वो 2 + 7 = 9 और वो डिविजिबल बाई 3 हो तो ये नंबर भी डिविजिबल बाई 3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे हम सम का ऑप्शन लगाएंगे, यानी इन नंबर्स के डिजिट्स को जमा करने के बाद जो जवाब आएगा, जैसे यहाँ पे 9 आया, अगर वो डिविजिबल बाई 3 है मतलब 3 पे पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 पे पूरा डिवाइड होगा। ये हमारे पास सही ऑप्शन है नंबर 1। बाकी डिफरेंस मनफी को कहते हैं, प्रोडक्ट ज़र्ब के नतीजे में जो जवाब आ जाए, कोशेंट तकसीम के नतीजे में जो जवाब आ जाए, तो सम हम लगाएंगे। तीसरा एमसीक्यूज है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज। प्राइम फैक्टराइजेशन आप गुज़िश्ता लेक्चर में सीख चुके हैं कि जब हम एक नंबर्स को उनके फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं और वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल हो तो वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, कौन सा, तीसरा ऑप्शन। बाकी यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है, इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर हैं और इसको मल्टीप्लाई करने से दोबारा 24 भी आता है, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 8, 8 + 3 = 24। तो आपका सही ऑप्शन हो गया नंबर 3। इसके बाद द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4 इज, 2 और 4 का मुश्तरका फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 4 के फैक्टर्स जो है वो है 1, 2, 4। तो यहाँ पे आप देख लें 1 and 2, 1 and 2, ये इन दोनों में मुश्तरका फैक्टर्स है। फैक्टर से मुराद जो उस दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर रहे हो। तो ये दोनों इन दोनों में मुश्तरक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके पास सही ऑप्शन है। जब फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 10 इज। मल्टीपल से मुराद उस दिए गए नंबर का पहाड़ा आप ले सकते हैं। तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह
जाते हैं, ये पांच का पहाड़ा हो गया। टेन के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50। आगे बढ़ते जाए, ये हो गया 10 का मल्टीपल्स। तो इन दोनों में मुश्तरिका, पहला मुश्तरिका मल्टीपल कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखते हैं 10 और यहाँ पे 10, ये इन दोनों में मुश्तरिका भी है और ये इन दोनों का पहला मुश्तरिका मल्टीपल भी है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास सेकंड ऑप्शन 10, ये हमारे पास सही ऑप्शन आता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ।